गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई आज है यूनिवर्सिटी का पहला दिन अपना, और हम जा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी आज एक वीक के बाद। पिछले वीक तो मैंने एक भी क्लास नहीं लगाई थी, तो आज चलते हैं। मैं अपने घर से 600 मीटर दूर पैदल चल के जाना पड़ता है, तो अभी जा रहे हैं भाई 600 मीटर दूर जाके, फिर बस स्टॉप है वहाँ से बस लेके फिर यूनिवर्सिटी जाते हैं डायरेक्ट। अभी गाड़ी नहीं है भाई यहाँ पे, गाड़ी का कोरोना के बाद बहुत बड़ा सीन हो गया, महंगी बहुत मिल रही हैं, तो देख रहे हैं अभी गाड़ी मिल जाती है तो भाई 18-20 मिनट का रास्ता है मुश्किल से। तो यहाँ पे पैदल चलने के लिए भाई साहब ये अलग रास्ता होता है, ये बढ़िया चीज़ है। और ये घर है अपने यहाँ के, और ये सामने अरे ट्रक, और यहाँ पे ये जो सामने रोड जा रहा है इस पर बस स्टॉप है। तो आज पहला दिन है भाई, बहुत देखो कैसे रहता है, बाकी सब ठीक ही रहेगा ऊपर वाले की दया से। और यूनिवर्सिटी भी आज विज़िट करेंगे भाई, कैसी है यूनिवर्सिटी यहाँ की, वर्ल्ड वाइड उसकी रैंकिंग है 53, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, बाकी आपको भी दिखाते रहेंगे जैसा भी रहेगा। और जुड़े रहना भाई लास्ट तक सारे। ये बस स्टॉप है यार यहाँ के, आर्चर फील्ड रोड जो अपना रोड है यहाँ का, यहाँ आएगी बस तो यहाँ अपने वेट करते रहो, उसके बाद अपने आप रुक जाती है, अपने कार्ड लगाओ उस पर, और उतरते टाइम भी कार्ड लगाना होता है और चढ़ते टाइम भी कार्ड। मैंने ऐसे हुआ, मैं जा रहा था तो मैंने उतरते टाइम नहीं लगाया भाई, $5 की पेनल्टी लग गई सीधी, ₹300 की। ये यहाँ के रूट है सारे। और एक चीज़ यार यहाँ की ना धूप बहुत गंदी है, वैसे सीधी चुभ है, अगर मान लो सनस्क्रीन ना लगाई हुई तो सीधी चुभती है भाई। और बाकी शाम को टेम्परेचर यहाँ बहुत बेहतरीन हो जाएगा, उसमें बढ़िया मन लगे, ठंडा एकदम और हवा चलती रहे, बाकी दिन में तो ऐसे ही हो रहा है। बाकी यार यहाँ गाड़ी लेना ही ठीक रहेगा, क्योंकि अगर कहीं भी जाना है तो हमने बस पकड़ के जाना पड़ेगा, तो इसमें लग जाए बहुत ज़्यादा टाइम। और अगर अपनी गाड़ी हो तो अपने कहीं भी उठाओ यार और कहीं भी चल दो, अंदर लगा लो रास्ता यहाँ 18-20 मिनट 15 मिनट सब इतनी नज़दीक नज़दीक है सारी चीज़, तो गाड़ी तो लिए सर रहेगी बिना गाड़ी के तो ना सर है। अभी देख रहे हैं अगर कोई मिल जाए तो उसके बाद फिर आसानी हो जाएगी चीज़ों की। ये पेट्रोल पंप है यहाँ के, खुद ही अपना पेट्रोल डालना पड़ा है सारा कुछ, अपना पेट्रोल डालो। और यहाँ स्टोर है अपनी साइड में अगर कुछ ख़रीदना हो, ये अपना यहाँ की भाई जो पैदल चलने वाली जो है ना ये रास्ते, ये इतने गजब हैं। और ये देखो घर इनकी, तो इस तरीके से डिज़ाइन कर रखे हैं ना सारे घर, जितने भी होंगे ये ऐसे एक ही जैसे होंगे। ये देख लो भाई, इससे ना बहुत तगड़ा लगा है व्यू, तो देखते हैं बढ़िया मज़ा आवे देख। और साफ़ सफाई का भाई इतना ध्यान रखे हैं, ये लगा लो रोड पर वैसा कुछ कचरा तो धूल मिट्टी तो कुछ पा ही ना सके। ये ट्रैक है, ये रोज साफ हुए हैं। अभी अपने भारत के रेलवे स्टेशन पर होते तो पानी बोतल और बिस्कुट बिस्कुट की आवाज़ आती रहती, और अब ऑस्ट्रेलिया में आके रेलवे स्टेशन देखो भाई इतना शांत, ना कोई गंदगी की मतलब ऐसी कमी कमी सी कुछ महसूस हो रही है। रेलवे स्टेशन है यहाँ का और कुछ भी नहीं है, ना कोई दुकान ना कुछ ना कोई रेडी, मतलब इतना शांत। शाम के 6 बज गए और भाई हम आ गए अपने स्टेशन पर, बस स्टेशन पर। यहाँ तो फिर चलो अपने 500-600 मीटर दूर, फिर अपने घर जा कर पहुँचेंगे। चलो भाई ऐसे आपको दिखाते रहेंगे रोज़ अपनी, जब भी अपनी बनाएंगे अपनी दिनचर्या, और आप जुड़े रहना हमारे साथ में, आपको ऐसे उस चीज़ घुमाते रहेंगे।